हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिया केक्स एंड चॉकलेट्स। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैंने बनाया है एकदम ट्रेंडिंग फायर केक। आज देखिए मेरा केक जलता हुआ भी आपको दिखाया मैंने। तो ये मैंने आज फ्लेवर भी दूसरा रखा, ट्रेंडिंग केक भी बनाया है। तो बिल्कुल सब पूरा का पूरा ही हमारा केक जो है वो बिल्कुल अलग फ्लेवर, अलग डिज़ाइन, अलग ट्रेंडिंग में है। तो ये सबसे पहले मैंने इसका कुल्फी फालूदा वाला फ्लेवर का केक बनाया है। तो उसके लिए स्पंज मैंने रेडी किया है, वो भी स्पंज भी हमारा कुल्फी फालूदा फ्लेवर में है। तो ये हमने शुगर सिरप से सोक कर दिया है। अब हमने क्रीम लगाई है, क्रीम लगाने के बाद जो हमारा क्रश है कुल्फी फालूदा का उसको डाल दिया है। फिर इसके बाद हम कुछ चोको चिप्स डाल देंगे क्रंचीनेस के लिए। फिर हम इसके बाद इसमें हम सेकेंड लेयर लगा देंगे। जैसे ही अभी हमने फर्स्ट लेयर लगाई थी, सेम टू सेम हम वैसे ही सेकेंड लेयर लगाएंगे। पहले शुगर सिरप से सोक करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा सा सेट कर देंगे क्योंकि ये अपर साइड की लेयर है, थोड़ी सी डोम शेप में रहती है। तो उसको थोड़ा सा दबाना दबाने जिससे सेट हो जाए अच्छे से वो। फिर इसके बाद हम साइड में इसमें क्रीम लगा देंगे, साइड से क्रम कोटिंग करते चले जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट लेयर इसकी ऐसे ही, जैसे अभी हमने सेकेंड लेयर रखी है, उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट लेयर रखेंगे। तो ये हमारे साइड से हमारी क्रीम लग गई है। अब इसमें अपना जो हमारा क्रश है और हमारे जो चोको चिप्स हैं वो दोनों को हम ऐड कर देंगे एक साथ। उसके बाद हमने लास्ट और फाइनल लेयर हम इसमें सेट कर देंगे। थोड़ा सा चोको चिप्स को हम इसमें बैठा देंगे जिससे ये हमारा जो हमारा लास्ट लेयर है आगे पीछे ना हो। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको अपने से इसको सोक करेंगे अच्छे से, अपर साइड का ही तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से शुगर सिरप से सोक करेंगे। ये हमारा हो गया है अच्छे से क्रम कोटिंग। अब इसके बाद हम इसकी फाइनल आइसिंग करेंगे। तो अभी पहले हम थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेंगे क्योंकि हमारा थोड़ा बोर्ड गंदा हो गया है। तो हम इसको, ये देखिए हमारा साफ़ हो गया। अब हम इसकी फाइनल आइसिंग करेंगे। तो फाइनल आइसिंग करने के लिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमने क्रीम लगा दी। क्रीम आज हमारा क्रीम केक जो है वो वाइट कलर का है, तो हमने कलर की क्रीम का कोई कलर का क्रीम नहीं डाला। फ्रेंड्स, जब मैं कभी कभी अपने लिए बनाती हूँ, अपने घर में बच्चों के लिए बनाती हूँ केक, तो मैं क्रीम में ज़्यादा कलर वगैरह का यूज़ नहीं करती। मैं सिंपल वाइट कलर ही यूज़ करती हूँ। नॉर्मली मैं सोचती हूँ कि ऐसे में ही बन जाए। फ्रेंड्स, हम कलर डालते हैं केक वगैरह में तो उससे क्या होता है कि हमें लगता है कि डिज़ाइन डिज़ाइन अच्छी बन जाती है, केक में कलर भी अच्छा आता है। ये है कि नॉर्मल लाइट कलर यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। और जहाँ तक मेरा सजेशन है, अगर वाइट में ही केक ज़्यादा सुंदर लगता है तो हमें कलर क्यों इतना ज़्यादा ऐड करना है? वो कलर भी हमारे बॉडी में ही जाता है। तो ये हमारा फाइनल आइसिंग हो चुका है। अब हमें जो भी मैसेज लिखना है वो हम इसमें लिख देंगे। तो ये अभी मेरा एक मैंने घर में ऐसे ही देखने के लिए बनाया था आज का केक जो था हमारा, क्योंकि आज मुझे कोई ऑर्डर नहीं था तो मैंने सोचा चलो अपना ट्रेंडिंग केक ही बना दे। मैं बहुत दिन से सोच रही थी इसको फायर केक को बनाऊं, तो ये मैंने बनाया है। तो ये मैंने घर में छोटा ही केक बनाया था। और ये हमारा केक तो हो गया रेडी। अब हम इसमें कुछ स्प्रिंकल्स डाल देंगे जिससे ये इसकी ये खूबसूरत और सुंदर लगने लगे हमारा केक। भाई घर में घर के लिए भी बना रहा है तो भी तो अच्छा ही बनना चाहिए ना। तो ये हमारी अब हमारी रेड ड्रिपिंग जेल हो गई है। तो ये देखिए जैसे जैसे कलर ऐड होते जा रहे हैं थोड़े थोड़े, ये हमारा जेल से मैंने बनाया है। तो ये मैंने ड्रिपिंग जो है रेड कलर से कर दी है कि ये केक थोड़ा और सुंदर लगने लगे। तो ड्रिपिंग के बाद हम इसमें जो है हमारा, ये हमने थोड़ा सा बॉर्डर नहीं बनाया है इसमें, तो हमने सिंपल एक लाइन खींच दी है और जेल की, तो ज़्यादा अच्छा बॉर्डर उसमें दिखने लगेगा। तो अब इसके बाद हम जो हमारा फायर पेपर है उसकी रेडीनेस करते हैं। तो फायर पेपर में आप केक के अकॉर्डिंग उसको रिंग में कर लीजिए और उसमें जो भी मैसेज आपको आपको लिखना है या कुछ करना है आप उसमें राइटिंग कर लीजिए या कुछ आपको चिपकाना है वो कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया। और ये मैंने उस केक के अकॉर्डिंग पेपर को कट करके मैसेज लिख के उसको अच्छे से थोड़ा सा हल्का सा दबा दिया। अब हम जो हमारा भी जो हमारी डिज़ाइन है वो हम बना लेंगे लास्ट फाइनल। फिर थोड़ा सा हम इसमें स्प्रिंकल्स लगा देंगे और हम आपको इसके बाद अपने केक को फायर करके बताएंगे। तो ये हमारा केक, अभी मैंने गोल्डन बॉल्स डाले हैं, कुछ वर्मिसेली जो हमारी कलरफुल रहती है उसको डाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्यारा सा छोटा सा फायर केक रेडी हो गया। अब हम इसमें फायर करेंगे जिससे हमें पता चले कि हमारा केक जो बना है वो सही है कि नहीं है।
तो ये देखिए मेरे पास एक स्टैंड भी था, तो मैंने थोड़ा उसको भी सेट कर दिया है और अच्छा अट्रैक्टिव लगने लगा है ये। तो ये देखिए अच्छा सुंदर हमारा केक रेडी हो गया। अब हम इसको फायर करेंगे, तो देखिएगा अभी कैसे निकलेगा। फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और मैं ऐसे ही सुंदर सुंदर केक बनाती रहूं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये फायर हुआ, वाह ये हमारा आ गया मैसेज। तो ये देखिए ये हमारे फोटो खींची है उसकी, ये ऐसे फायर हुआ और ये आ गया उसका मैसेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।